लाहौर की भी बात करते हैं जहां कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। जुनेद अहमद इस वक्त वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अजमा बुखारी के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी जुनेद। जी हाँ, लाहौर के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात जारी हैं, काफ़ी गहमा गहमी हर पोलिंग स्टेशन के बाहर दिखाई दे रही है। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उजमा बुखारी मौजूद हैं, से बात करते हैं। मैडम, कितना आप कंफर्टेबल हैं, क्या कहती हैं, इस सारे शफाफी इलेक्शन जो है वो शफाफ हो रहा है? देखिए, अगर पोलिंग स्टेशंस जो हैं उनके अंदर मीडिया को ना जाने देना शफाफ है तो इसका फ़ैसला आप खुद फरमा लीजिए। और अगर जो है वो शेर का वोटर है उसको जो है वो बाहर खड़े रखना और उसके बाद जो है वो गो स्लो की जो हमेशा की एक पॉलिसी इस हुकूमत की रही है हर इलेक्शन के अंदर वो करने की कोशिश करना, इसको शिफाफियत नहीं कहते। लेकिन हमने आधे से ज़्यादा वक्त जो है वो शराफत से गुजार लिया। अब अगर किसी ने हमारे वोटर को अंदर नहीं जाने दिया तो फिर यहाँ पर वो भी खड़े नहीं हो सकेंगे। ये बात जो है वो कान खोल के सुन लें, मैं बड़ी कैटेगोरिकली जो है वो कह रही हूँ। हमारे वोटर्स का हक है कि वो अंदर जाके वोट डालें। जो ये रियासत के मुलाजिम हैं, ये मुलाजिम हैं, ये किसी के जाती मुलाजिम नहीं है। उनको सिक्योरिटी का काम करना है, वो शौक से करें, लेकिन किसी वोटर को अंदर जाने से रोकना इनके इख्तियार से बाहर है और ये ऐसा ना करें तो बेहतर होगा, वरना फिर हमें अंदर पहुंचाना आता है। जी मैम, सुबह से बारिश हो रही थी तो सुबह के वक्त वोटर्स खासे कम थे, क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से कि वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, हम इलेक्शन कमीशन जो है उससे रिक्वेस्ट की है हमने कि पोलिंग का जो टाइम है वो एक घंटा बढ़ा दिया जाए। बिकॉज़ एक तो बारिश की वजह से बहुत सारी गलियों के अंदर दो दो तीन तीन फुट पानी खड़ा है और लोगों के लिए वहाँ से निकल के आना, और बारिश के अंदर अभी कुछ तातुल है तो आप देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं, बारिश के अंदर ज़्यादा निकलना मुश्किल होता है। सो अगर पोलिंग जो है वो एक घंटा बढ़ा दी जाए तो यकीनन वो इस अमल की शफाफियत में भी किरदार अदा करेगी और लोगों को भी उनका हक रायदा इस्तेमाल करने का हक मिलेगा। ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उजमा बुखारी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उजमा बुखारी हमारे साथ मौजूद थी। मुख्तलिफ बहुत शुक्रिया मोहम्मद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।